नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के हर खेत में अब पहुंचेगा पानी। अब ऑनलाइन करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी पर लगाया जुर्माना। ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच की प्रक्रिया हुई शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 6 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। पथ निर्माण विभाग से जुड़े 3 प्रस्ताव, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 1 प्रस्ताव को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा 1 प्रस्ताव शामिल है। बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा स्तर को लेकर प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा बिहार में 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से पहले निकाले गए 1,000 करोड़ रुपए में से परिचालन लागत मद से 169.25 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति प्रदान करने समेत अन्य एजेंडों पर मुहर लगी है। अब बिहार के ग्रामीण सड़कों पर चलना होगा सुरक्षित। बिहार के ग्रामीण इलाकों की सड़कों को भी चकाचक करने की योजना बनाई जा रही है। परिवहन विभाग ने भी पिछले महीने हुए अन्य विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया था। यही कारण है कि राज्य में एनएच और एसएच के तर्ज पर ग्रामीण सड़कों पर भी क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। इससे सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ियां गड्ढे में लुढ़क कर नहीं जाएंगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके तहत ही लाइटिंग के साथ साथ नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे बैरियर लगभग लगाया जा चुका है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर सड़कों में 399 किलोमीटर सड़क दुर्घटना के लिए संवेदनशील है। इसमें से लगभग 300 किलोमीटर में क्रैश बैरियर लगाया जा चुका है, जबकि 100 किलोमीटर में क्रैश बैरियर लगाने का काम जारी है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, हालांकि इसको लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। चूंकि इस बार पहली दफा बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन ईवीएम की मदद से करवाया जाना है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके फर्स्ट लेवल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर ईवीएम निर्माणकर्ता कंपनियों वेल और ईसीआईएल के इंजीनियर ईवीएम की जांच के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी द्वारा सभी ईवीएम की जांच कराई जानी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने बीटेक, एमटेक के लिए निकाली कई वैकेंसी। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 588 पदों पर माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी सेक्शन के लिए आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का गेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 सितंबर तक इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। ज्ञात हो आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 10 जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में बारिश को लेकर 13 अगस्त तक अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की ट्रफ रेखा अभी देहरी से होकर गुजर रही है, साथ ही पूर्वी यूपी और इसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे। पटना में देर शाम झमाझम बारिश हुई, वहीं बिहार के 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अररिया के लिए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मीरा कुमार की। मीरा कुमार का जन्म बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं। वो 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो 14% मतों से पराजित हुई थी। भारतीय इतिहास में विशेष रुचि रखने वाली मीरा कुमार को और साहित्य से भी विशेष लगाव है। उन्हें देश विदेश की ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करने का भी शौक है। विदेश सेवा में कार्यरत होने के कारण बड़े पैमाने पर उन्होंने विदेश यात्राएं भी की हैं।
बिहार की सूरत बदलने के लिए मुख्यमंत्री ने लॉन्च की करोड़ों की योजनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस कार्यकाल में बिहार की सूरत बदलने का प्रण लिया है। यही कारण है कि बिहार की सूरत बदलने के लिए ही उन्होंने बीते दिन करोड़ों की योजनाओं को लॉन्च किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2705 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान जश्न टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा IGIMS मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के नए भवन, LNJP हड्डी अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर और राजेंद्र नगर स्थित आई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया गया। पटना जंक्शन पर अब कम होगी भीड़। पटना जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों से लेकर अन्य लोगों की भीड़ सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिलती है। हालांकि अब इस भीड़ पर नियंत्रण लाने की कवायद पटना में शुरू होने वाली है, क्योंकि पटना जंक्शन से सटे हार्डिंग पार्क की जमीन पर रेलवे की तरफ से अलग स्टेशन बनाने का काम शुरू होने वाला है। इस बाबत पार्क की जमीन राज्य सरकार से मांगी जाने के बाद अब न्यायालय से भी हरी झंडी मिल गई है, जिसके तहत अब बड़े शहरों की ही तरह पटना में आने जाने वाले सवारी गाड़ियों के लिए अलग से स्टेशन बनने से पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन में जबरदस्त सुधार आएगा, जिसकी जानकारी CPRO राजेश कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होते ही स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान को लगा एक और बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने चिराग पासवान को केंद्र की तरफ से ही लगातार झटके मिल रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर से चिराग पासवान को केंद्र की तरफ से करारा झटका लगा है, जिसके तहत चिराग को नई दिल्ली के 12 जनपथ में स्थित उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को मिले आवास को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्ञात हो यह आदेश 14 जुलाई को ही जारी किया गया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने कुछ समय की मांग की थी। ज्ञात हो अभी चिराग पासवान अपनी मां के साथ इसी बंगले में रह रहे हैं, जिसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बंगला खाली करने के आदेश के बाद चिराग पासवान अब कौन सा कदम उठाते हैं। दरभंगा का मखाना खाकर दंग रह गए शाहनवाज। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में दरभंगा के एक निजी मखाना प्रसंस्करण उद्योग मखायो फूड का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने मशीनों का मुआयना किया और वहां काम करने वाले कामगारों से भी खास बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए दरभंगा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को हब बनाने की बात कही है। इसके साथ ही दरभंगा के मखानों को लेकर उन्होंने कहा कि मखाना बिहार की पहचान बन चुका है, वो तो अमेजोन से ऑनलाइन मंगाकर इस ब्रांड का खाने में इस्तेमाल करते थे। दरभंगा का ये प्रोडक्ट कोई हवाई जहाज में खोले तो मखाना खाए, यह देख के खुशी हो रही है कि यहां सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। विधानसभा की ही तरह पंचायत चुनाव में भी होगी वोटों की गिनती। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अब वोटों की गिनती को लेकर अहम जानकारी साझा की है। आयोग की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद वोटों की गिनती के वक्त बीते विधानसभा चुनाव की तरह तैयारी देखने को मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि वोटों की गिनती की संपूर्ण प्रक्रिया को एक कार्य दिवस का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही बीते विधानसभा के तर्ज पर इस बार पंचायत चुनाव के लिए भी काउंटिंग हॉल और मेजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभवों से मतगणना हॉल की संख्या 4 या उससे अधिक रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी की जा सकती है। बिहार के हर खेत में अब पहुंचेगा पानी। बिहार सरकार आए दिन किसानों के लिए नए नए काम करती रहती है। वहीं अब बिहार सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नए नलकूप को लगाने की बात कही है। इसके साथ ही सरकार ने लगभग 2,500 नए आहर पइन की उड़ाही का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। साथ ही बिहार के सभी छोटी नदियों और अन्य जल स्रोतों पर लगभग 800 नए चेक डैम बनाने का फैसला लिया है। साथ ही उत्तर बिहार के लिए 1,500 लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार ने इस वर्ष इस योजना के लिए लघु जल संसाधन विभाग के लिए मात्र 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस राशि में जितनी योजनाएं हो सकेंगी उन्हें इस साल पूरा किया जाएगा, बाकी अगले साल काम होगा। विभाग ने इस बाबत DPR भी बना ली है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया खारिज। बिहार में NDA जनसंख्या नियंत्रण कानून और जातीय जनगणना के मुद्दे पर दो फाड़ में बटी है। जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर जदयू इसके पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जदयू ने भाजपा की मांग को खारिज कर दिया है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी राज्य इसमें कुछ कर रहे हैं तो यह उनका अधिकार है। हम लोग बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शुरू से इसका आकलन करते आ रहे हैं और नतीजा निकला कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी हो तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। इसको भी देखते हुए महिला शिक्षा पर हमने राज्य में विशेष जोर दिया है। बिहार का प्रजनन दर 4 था जो 3 पर आ गया है, अगले 5-7 सालों में यह 2 पर आ जाएगा। IMD कर रहा
रहा है पटना में ऑब्जर्वेटरी लगाने की तैयारी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश या धूप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कई बार मौसम का मिजाज इसके ठीक उलट देखने को मिलता है। हालांकि अब पटना वासियों को मौसम की और ज्यादा सटीक जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि कंकड़बाग और पटना सिटी के इलाके में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑब्जर्वेटरी लगाने की तैयारी है। आईएमडी की तरफ से राज्य सरकार ने इस बाबत जगह मांगी थी ताकि मौसम पूर्वानुमान से जुड़े जरूरी उपकरणों को इंस्टॉल किया जा सके। इन उपकरणों के लगने से दो बड़े और महत्वपूर्ण इलाके में बारिश और मौसम का सटीक पूर्वानुमान किया जा सकेगा। अभी केवल पटना एयरपोर्ट के सामने ही एक ऑब्जर्वेटरी लगा हुआ है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार वासियों को मिली बड़ी राहत। बिहार से बाहर जाकर कमाने खाने वाले प्रवासियों के लिए अहम सूचना। बिहार में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिहार वासियों के लिए तो वरदान साबित होगी ही, साथ ही बिहार से बाहर रहने वाले बिहार वासियों के लिए भी वरदान साबित होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की नई योजना के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी लोग बिहार कोटे से अपने अनाज का उठाव कर रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की माने तो हर महीने 15,857 प्रवासी परिवार राज्यों में लाभ उठा रहे हैं। कोरोना काल में पिछले साल प्रवासी मजदूरों की संख्या 1765 थी, जो दूसरे राज्यों में रहकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लाभ उठा रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार के प्रवासी लोगों ने राज्य के बाहर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन का लाभ लिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन। कोरोना काल में लगभग सभी लोगों ने डिजिटल लाइफस्टाइल को अपना लिया है। यही कारण है कि सरकार भी अब विभागीय प्रक्रिया को डिजिटल करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग की तरफ से बनने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी डिजिटल कर दिया गया है, जिसकी मदद से अब आप घर बैठे बैठे इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही विभाग की तरफ से मिले सहूलियत के बाद आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। इतना ही नहीं, अब थाना पुलिस आवेदक के घर जाकर उसका सत्यापन करने के बाद ईमेल से ही आवेदकों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। आज से शुरू होगा मुहर्रम का महीना। हमारे मुस्लिम भाई बहनों के अनुसार नए इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से ही होती है। ज्ञात हो, मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना कई मायनों में खास माना जाता है। वहीं इस साल की बात करें तो इस साल मुहर्रम का महीना आज से शुरू होने वाला है, जिसके बाद इस महीने के 10वें दिन अशूरा होगा। इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। यह इस्लाम मजहब का प्रमुख महीना है। इस बार यह 19 अगस्त को मनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीएम के अधिकारियों को बताया बीमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन सरकार पर निशाना साधते हैं। इसी क्रम में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारियों को लेकर टिप्पणी की है और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया है। इतना ही नहीं, सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बीते 5 सालों से SC/ST की स्कॉलरशिप बंद कर लाखों गरीब छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर यह सवाल आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो वो इस बात पर असहमति जताएंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी जरूर बताएं कि बाकी प्रदेशों में केंद्र समर्थित यह स्कॉलरशिप कैसे मिल रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तकनीक की ज्यादा जानकारी नहीं है, यही कारण है कि अधिकारी उन्हें कुछ भी समझा बुझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा, कांग्रेस, CPI, NCP पर लगाया जुर्माना। बिहार चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सार्वजनिक घोषणा नहीं करने के आरोप में बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा, कांग्रेस, CPI पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही NCP पर भी जुर्माना लगाया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में शीर्ष अदालत ने यह कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने 1,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है, तो महाराष्ट्र की NCP और CPM पर 5,00,000 रुपए का फाइन लगाया है। वहीं जदयू पर मनोज कुमार, नरेंद्र नारायण यादव के कारण और राजद पर मुकेश कुमार रोशन और अविनाश मंगलम के कारण जुर्माना लगाया गया है। कद्दावर नेता सदानंद सिंह प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह बीमार हो गए हैं। उन्हें लिवर की बीमारी है। पटना के खगौल के पास एक निजी अस्पताल क्यूरस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस बाबत बताया है कि सदानंद सिंह की तबीयत काफी खराब है, हम लगातार उनके संपर्क में हैं। उन्हें देखने अस्पताल भी गए थे। कहा जा रहा है कि सदानंद बातचीत करने में भी पूरी तरह से सामर्थ्य नहीं है। आंख खोलकर लोगों को देखकर पहचान जरूर रहे। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर SK सरीन से लिवर का इलाज कराया था, उसके बाद पटना लौटे लेकिन तकलीफ बढ़ी तो फिर अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। चिराग पासवान ने 15,00,000 SC/ST स्टूडेंट्स के नुकसान होने की कही बात। चिराग पासवान ने बीते दिन एक बार फिर से बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के बिहार सरकार के खिलाफ ट्वीट जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस स्कॉलरशिप का 75% पैसा केंद्र सरकार देती है, वो स्कॉलरशिप 3 साल से बिहार में दी ही नहीं जा रही है। इसे आप बिहार सरकार की असंवेदनशीलता को समझ सकते हैं। सरकार की इस नीति के कारण ही बिहार के लगभग 15,00,000 SC/ST स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। बिहार की 20% जनता के साथ यह अन्याय है। हमारी मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और स्कॉलरशिप को तत्काल रिलीज करे।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दादर नगर हवेली का भारत में 1961 को विलय हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने। एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात ने 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपए के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव का जन्म 1949 को आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म 1954 को आज के दिन हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक नंद दुलारे वाजपेयी का निधन 1967 में आज के दिन हुआ था। UIDAI ने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की सुविधा को किया बंद। आधार कार्ड से जुड़ी सभी नागरिकों के लिए अहम सूचना। अब तक UIDAI आधार कार्ड होल्डर्स की सहूलियत के लिए बिना किसी प्रूफ के एड्रेस अपडेट करने की सुविधा दे रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। UIDAI के एक ट्वीट के अनुसार अब यह सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अहमद मेमन नाम के एक ट्विटर यूजर का जवाब देते हुए UIDAI ने ट्वीट किया कि एड्रेस वैलिडेशन लेटर फैसिलिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस सर्विस के बंद होने से उन लोगों को आधार में अपना पता अपडेट करने में काफी परेशानी होगी जिनके पास एड्रेस चेंज करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। NCA क्रिकेट हेड के लिए BCCI ने मांगे आवेदन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट हेड के पद के लिए आवेदन की मांग की है। इस पद पर 8 जुलाई को NCA प्रमुख के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया था। हालांकि उनका 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान इस पद के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो इंडियन क्रिकेट में आगे बड़ी जिम्मेदारी निभाते देख सकते हैं। आपको बता दें, राहुल हाल ही में श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम इंडिया का कोच बनकर गए थे। इस दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली समेत अन्य स्टार खिलाड़ी नहीं गए थे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,160 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,690 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो यह 104.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक राम, मृत्युंजय कुमार, दिनेश बाबू, दिव्यांशु कुमारी, प्रमोद राम, आभा कुमारी, छोटू कुमार, दीपक कुमार, रंजू देवी, रिया वर्मा, कुमारी अलका, हकीम रॉय, भूपेंद्र गुप्ता, मुन्ना कुमार, कुमार बाबू ऑफिशियल, राम कुमार सिंह, इमाम अनवर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जातीय जनगणना बिहार के लिए जरूरी है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।